नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप सब देख रहे हैं TWD News 24। दोस्तों, आज नौमी है। पिछले 9 तारीख से हम दुर्गोत्सव मना रहे हैं इंडिया बांग्ला क्लब की तरफ से चित्रकूट ग्राउंड में। इसी के साथ जॉय सर जुड़ रहे हैं। जॉय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। आज दुर्गोत्सव का नौमी का दिन है, माँ के दर्शन कर लिए हैं आप। हमारे लोग, हमारे जनता को क्या कुछ कहना चाहेंगे इस दुर्गोत्सव के बारे में? दुर्गोत्सव के बारे में नया क्या कहूँ। दुर्गोत्सव सबको मालूम है कि ये जो है लोगों का आना, मिलना, जुलना, मुस्कुराना, खाना पीना और एक साथ जश्न में हिस्सा लेना, यही है दुर्गोत्सव। और ये साल दर साल होता आया है, साल दर साल होता आएगा। समाज को एक जगह पे लाना और समाज के अंदर खुशियां बांटना, यही मकसद होता है किसी भी उत्सव का, खास करके दुर्गोत्सव। बिल्कुल सर, मैं आपको यूं ही तो जाने नहीं दूंगी, कुछ दो लाइन आपको हमारे लोग और जनता को मैसेज के थ्रू सुनाना पड़ेगा। मेरी तरफ से क्या मैसेज होगा? मेरी तरफ से मैसेज तो यही है, जैसे मैंने कहा कि आपको अगर बांटना ही है तो खुशियां बांटिए, आपको अगर कुछ शेयर करना है तो अपने अंदर जो जज्बात है उसको पॉजिटिव तरीके से शेयर कीजिए, लोगों को साथ रखिए, बांटिए नहीं, अलग थलग मत कीजिए। फेस्टिवल का मतलब भी वो होता है, किसी भी तरह के जश्न का मतलब भी वो होता है, और इस तरह का उत्सव जो है एक सामाजिक क्रिया है, मतलब साथ आना, तो साथ रहिए और एक दूसरे की खुशियां बांटिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।